नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाते समय अचानक गाड़ी बंद हो जाती है तो ऐसे में क्या चीज़ चेक करते हैं? सबसे पहले हम स्पार्क प्लग खोल के ये देखते हैं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वहाँ पर करंट नहीं आ रहा है तो कहाँ से आता है वो चीज़ ज़रा सोचिए एक बार कि मतलब ऐसे अगर अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। सेम ये हमारे पास गाड़ी है, सेम प्रॉब्लम इसके अंदर थी कि चलते चलते ऑन द वे गाड़ी बंद हो गई। अब भैया परेशान हो गए कि क्या हुआ, हमें फ़ोन किया, हम भी स्पार्क प्लग लेके पहुंच गए। क्या हुआ होगा, स्पार्क प्लग ख़राब हो गया होगा? हमने देखा स्पार्क प्लग ठीक था। और ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप चेक करके ज़रूर देखना, डेफिनेटली आपको इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फ़िलहाल देखिए इस गाड़ी को अभी स्टार्ट करेंगे हम, और गाड़ी स्टार्ट है। और भैया भी हैरान कि यार गाड़ी तो बिल्कुल बढ़िया स्टार्ट है। ये है असली खेल जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। अब देखिए इसको मैं हल्का सा दबाऊंगा, ये हमने हल्का सा बाहर निकाल रखा है और गाड़ी बंद हो गई। मतलब सिर्फ इसको हल्का सा दबाने पे ही, अब मैं सेल्फ लूँगा, स्टार्ट नहीं होगी, देखना। और अब इसको हल्का सा बाहर की साइड खींचेंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। भानु भैया एक बार बाहर को खींचना हल्का सा, इसको हल्का सा ऐसे बाहर को खींचना है। अब करो स्टार्ट, लो। और जैसे ये छोड़ूंगा बंद हो गई। देखिए खींचूंगा बाहर, करो स्टार्ट है गाड़ी, और छोड़ेंगे बंद हो जा रही है। अब करो स्टार्ट, है अंदर वाले। और जैसे ही मैं इसको अंदर की साइड दबाऊंगा गाड़ी बंद हो जा रही है। देखो अब करो, देखो बढ़िया स्टार्ट हो रही है। मतलब ये पहली गाड़ी है जो कहती है कि भाई पूरा कपलर मत लगाओ, कपलर को अच्छे से फिट मत करो, ना ही इसके अंदर की पिने कोई ढीली है, ना इसकी कोई पिन ढीली है, हर एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से टाइट है। करो, इतने पे बढ़िया स्टार्ट हो रही है। और यहाँ से वायर आयर चेक करें इसकी, वायर चेक करी थी आपने? मैंने वायर खींच के देखी, कोई टूटी हुई नहीं थी, कोई वायर नहीं थी, फ्यूज भी ओके है, कार्बन भी नहीं है फ्यूज में। कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर कार्बन लगने लगते हैं ना, है ना। और ये ज़्यादातर तब चेक करने चाहिए जब आप ऑन द वे गाड़ी चला रहे हैं ना, उस टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए। करिए एक बार स्टार्ट, सेल्फ लीजिए। एक काम करते हैं, इसके अंदर सी डी आई दूसरी डाल के देखते हैं, ठीक है, कि तब ये काम होता है या नहीं। तो वैसे तो जो नीली गाड़ी की सी डी आई होती है उसके अंदर नीली ही सी डी आई डालनी चाहिए, हम जस्ट चेक करने के लिए कि आखिर सी डी आई की प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके लिए एक बार इसको डाल के देखते हैं, है ना। अगर कपलर की प्रॉब्लम होगी तो इस गाड़ी के अंदर भी स्टार्ट नहीं होगी, अगर सी डी आई की प्रॉब्लम होगी तो जैसे ये कपलर पूरे फिट कर दो, और जैसे ये कपलर लगेंगे पूरे, हाँ, और ये गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसको भी लगाओ, देखो अच्छे से पूरे कपलर देखिए पूरे प्रॉपर बैठ चुके हैं। करिए स्टार्ट, इसको हिला के देखो, कुछ नहीं, बंद कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जो इंसान ना कितना भी कर ले कभी उसमें महारत हासिल नहीं करता। रॉयल इनफील्ड भी एक ऐसी गाड़ी है कि इसके अंदर कभी भी कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने महारत हासिल कर दिया, लेजेंड टॉप रॉयल इनफील्ड का बन सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला ही होगा, अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।